एक्यूप्रेशर का मामला, हेल्थ का मामला पे आप सबके सामने तैयार हो गया। वापस हम बात करने वाले हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम के बारे में हर बार बात करते रहते हैं, तो अभी सब्जेक्ट है आज का हमारा लंग्स, जिससे हम सांस लेते हैं और पूर्णतः ये श्वसन प्रक्रिया का एक सिस्टम है। और प्लस छाती के अंदर कोई दर्द हो जाता है कई बार, तो वो दर्द क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। और ये दर्द कितने प्रकार का होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार वो लंग्स आपकी श्वसन क्रिया की वजह से हो सकता है, जब सांस लेते हैं तो दर्द होता है, और कई बार आपकी हार्ट की वजह से भी हो सकता है, या कई बार कई गांठें वगैरह बन जाती है लेडीज की ब्रेस्ट में भी। तो उन सब के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, उसके पॉइंट कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, ये जितनी भी समस्याएं जो हो जाती है छाती के ऊपर, जो लंग्स इन साइड में, तो उस वजह से हमारी तकलीफें बहुत बढ़ जाती है। होता क्या है, हम लापरवाही कर देते हैं कई बार, तो लापरवाही नहीं करना है। जब बिना दवा के कुदरती तरीके से उपचार इजी आसान आपके हाथ में है, बोले तो आपके मोबाइल में जो यूट्यूब अभी आप देख भी रहे हैं, वहां पर हम वीडियो डालते रहते हैं, लगातार डाल रहे हैं। अब तो हम डेली रोजाना वीडियो डालते हैं, और हमारे 3 चैनल है, तो वीडियो डालते हैं ना, आप जानकारी वहां से लीजिए और हम आपके लिए वीडियो दे रहे हैं। तो ये जो तकलीफ है उसका मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाला हूँ। तो पहले हम बात करेंगे हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, हाथ की रिफ्लेक्सोलॉजी, जहां पर मैंने पहले आपको एक लाइन करके बताया था कि यहां पर ये वापस करके दे देता हूं, ये आपके गर्दन के ऊपर के ऑर्गन है, और सेकंड में आपके यहां पर ये आएगा छाती, ये डायफ्राम की जो लाइन होती है, डायफ्राम जो यहां से एकदम ये जो पसलियां होती है उसके अंदर रहता है, और उसके ऊपर लंग्स रहता है, नीचे लीवर और स्टोमक वगैरह सब रहते हैं। तो ये आपको इधर भी बता देता हूं, ये रिफ्लेक्सोलॉजी में, और बाकी आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो यहां पर आपको प्रेस करना है, एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, हम दबाते हैं, ये रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट हाथ का है, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर ऐसे अंगूठे से देना है, तो अंगूठे से कई बार प्रेशर हम नहीं दे पाते हैं, तो फिर हम पेन यूज करते हैं, तो पेन का पीछे का हिस्सा जो थोड़ा नुकीला रहता है, एक्यूप्रेशर में बोले तो नुकीली चीज, नहीं तो इसको ये जिम्मी बोलते हैं, मेटल का धातु का बना हुआ, इसको ऐसे ऐसे दबाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, और ये लकड़े में रोलर है, तो इसमें इसको भी ऐसे ही रोल करेंगे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे रोलर आते हैं जो करेले के जैसे दिखते हैं, तो उसको हम करेला रोलर बोलते हैं, हाथ में ऐसे रोल करते हैं, और दूसरे कुछ छोटे रोलर आते हैं, हैंड रोलर लगा हुआ, तो उसको पकड़ के हाथ के ऊपर करते हैं। कुछ स्प्रिंग के दबाने वाले यंत्र आते हैं, उनको भी हाथ के ये पॉइंट के ऊपर स्टिमुलेट करते हैं। अब ये हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट हुआ, ऐसे ही पैर के अंदर भी फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में पॉइंट होगा, तो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट को स्टिमुलेशन करने के लिए हम क्या हम लेने वाले हैं, फुट मैट, जिसके अंदर वो नुकीले पॉइंट है और मिलो चुंबक मैग्नेट भी लगा हुआ है। दूसरा रोलर है ऑप्शन के रूप में, वो रोलर आगे पीछे रोल करेंगे तो सारे पॉइंट वहां भी दबते हैं। और तीसरे में एक्यूप्रेशर के चप्पल, जिनको पहन के घूमेंगे, एक्यूप्रेशर के शू सॉल भी आते हैं, तो वो पॉइंट स्टिमुलेट बहुत अच्छे से हो जाता है। अब हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं, शू जोक, जिसमें हम एक ही हाथ के अंदर पूरी बॉडी की बात करते हैं, और थंब इज योर हेड, तो उसमें सूजोग में जो पॉइंट होते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूं सूजोग में लंग्स का पॉइंट कहां तक होता है, ये यहां तक, ये पूरा हाथ नीचे तक लाइन जो मैंने अभी बना दिया हूं, तो यहां पर इसके अंदर ये दो लंग्स है और बीच में ये हार्ट होता है, तो ये लंग्स के पॉइंट दबाने के लिए एग्जैक्ट ऐसे ही जो मैं अभी दबा रहा हूं, ये अभी हाथ से भी दबा के बता रहा हूं, वो छोटा थंब का वो भी पहन के आप दबा सकते हो, और दोनों हाथ में दबाना है, ठीक वैसे ही दोनों पैर में भी दबाना, आप फोटो में देख ही रहे हो पॉइंट, बस आपको वैसे ही। अधिक जानकारी के लिए मैंने अलग अलग इनके वीडियो डाल रखे हैं, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी का अलग बनाया है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का अलग बनाया है, सूजो का जो पॉइंट है उसका मैंने अलग बना रखा है। फिर मैं बात करता हूँ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग भी पॉइंट होते हैं, यहाँ पर उसको बोलते हैं तुल्यार्ता, तो तुल्यार्ता के अकॉर्डिंग ये जो हाथ है उसमें उसमें सिर्फ यहां से पॉइंट को, ये थंब को कट करके यहां पर माना जाता है, और उसमें आपके लंग्स दोनों यहां होंगे, ये भी मैंने ऐसे उल्टा किया हूं, लेकिन आप ऐसे देखोगे तो ये दोनों लंग्स रहेंगे, तो उसको आपको प्रेस करना है, और दबाने के लिए अगेन वही नुकीली चीज काम लेना है, जो जिमी होती है रोलर होती है उनको, या फिर वो थंब जिमी अंगूठे में डाल के, तो यहां भी दबाइए और यहां भी दबाइए, यहां भी दबाइए, तीनों चारों दबा दबाइए, मतलब क्या करना है, पूरे हाथ में पॉइंट दबा देना है। सीधी सीधी बात, कोई भी सिस्टम हो, भगवान कोई भी हो, आपको जितने भी भगवान को मानते हो सब कुछ प्रार्थना करिए, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और आपके काम आसान हुए जल्दी, ये विज्ञान है, दबाने से लाभ हो रहा है लोगों को,
आप दोनों हाथ में दबाइए, दोनों पैर में दबाइए, इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसका फायदा लीजिए। और आपको मैं कई बार नेचुरल टिप देता हूँ कि क्या खाना और क्या पीना है, तो गर्म पानी, गुनगुना पानी तो पीते ही रहना चाहिए सुबह उठ के, वो तो सबसे सबके लिए अच्छा ही है। अब कुछ एप्पल के वेनेगर से उसमें अलग अलग फ्लेवर है, तो वो कौन सा सूट करेगा, तो उसके लिए आप हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए। एप्पल वेनेगर के बारे में बताएंगे, इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलता है उसके बारे में बताएंगे, और हमने कुछ और इसके पैकेज भी बना के रखे हैं पीएनजी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो हम आपको वो भी भेज देंगे। और वीडियो को थोड़ा और देखिए और डिटेल में अपना नॉलेज को रखते हुए, ये प्राथमिक उपचार मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जितने भी है। और मैग्नेट चुंबक चिकित्सा, लो चुंबक चिकित्सा, उसमें क्या होता है, ये चुंबक की ब्रेसलेट, ये माला है, नेकलेस, इसको सिंपल ऐसे पहनना है, अंदर पहनना है, मैं आपको बाहर पहन के दिखा रहा हूँ। ये जितनी बड़ी होगी तो यहाँ पर लंग्स के ऊपर रहेगी, ये मल्टीपर्पज है लो चुंबक की माला, जो आपके गर्दन के दर्द को भी कम करता है, ब्लड फ्लो को भी बढ़ा के हेल्प रखता है। ये इसको 24 घंटे पहन के रख सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है। रात को अनकंफर्टेबल लगे तो निकाल के रखो, लंग्स में क्या होता है अस्थमा, सांस फूलने की तकलीफ होगी, तो ये आप सारे, ये वैकल्पिक चिकित्सा जिसको बोल दिया गया है जबकि ये होलिस्टिक है, तो ये सारे तरीके करिए, दवा कुछ लग नहीं रही है, साइड इफेक्ट कुछ है नहीं, करके देखिए, फायदा जरूर होगा। और आप देख रहे हैं मेरे बाजू में जो एक मॉडल रखा है, डमी रखा है, तो उसके ऊपर मेरिडियन के पॉइंट है, ये आगे पीछे पूरी बॉडी में पॉइंट रहते हैं, बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, इतना छोटा है नहीं। तो आपका समाधान इस वीडियो देखने से नहीं हुआ है तो आपको अभी मिलना है नेचुरल थेरेपिस्ट से, जो हीलर है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक्यूप्रेशर की फुल प्लेस, वो एक एक पॉइंट के अंदर जाकर के आपकी बॉडी के नेचर को समझ करके उसके अकॉर्डिंग पॉइंट चूज करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर वो प्रेस भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है, सुई में दर्द नहीं होता है, मैंने रिजल्ट देखा है, बहुत अच्छे हैं। और अभी तो कोरोना के बाद बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है, तो हम सबको इसकी बेनिफिट, फायदा लेते हुए अधिक से अधिक लोगों को बताएंगे तो दुआ मिलती है, हमें शुभकामनाएं मिलती हैं, लोग हमें अंदर से वो क्या बोलते हैं, मनोकामना पूर्ति में आपकी हेल्प हो जाती है, बेस्ट विशेष मिलती है जिसका हम पैसा दे के खरीद नहीं सकते। बाकी दोस्तों आप हमें यहाँ पर देख ही रहे हो, दूसरे सोशल मीडिया जहाँ जाओगे हमें पाओगे, हेल्थ का मामला लिखिए और टच में रहिए, व्हाट्सएप पे मिलिए, कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे ये जो भी नंबर दिए हैं व्हाट्सएप पे मैसेज लिखिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।